अभी जो तीसरा टेक्निक है वो रॉक मास राइटिंग है, RMR। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा रॉक मैकेनिक्स में। तो रॉक मास राइटिंग सिस्टम विच वॉज फर्स्ट डिवेलप्ड इन 1972 to 73। तो ये भी एक टेक्निक है जो को बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है और इसमें डेवलपमेंट भी बहुत हुई है। तो आजकल इसका एक लेटेस्ट जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अभी यूज़ हो रहा है, यानी ये अभी तक ये ज़्यादातर ये टेक्निक यूज़ हो रहा है। दिस सिस्टम इज़ यूज्ड इन वाइड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग टनल्स, चैम्बर्स, माइंस, स्लोप्स, फाउंडेशंस, हर जगह पे ये यूज़ हो रहा है, सिविल में भी और माइनिंग में भी। अच्छा, इस टेक्निक के भी हमारे पास 6 पैरामीटर्स है। द फॉलोइंग 6 पैरामीटर्स आर यूज टू क्वालिफाई अ रॉक मास यूजिंग RMR सिस्टम। पहला जो इसमें है तो यानी इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम रॉक मास को क्लासिफाई करते हैं। पहला है यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक मटेरियल, UCS हम मालूम करते हैं। जब हम रॉक किसी रॉक स्ट्रेटा के लिए हम RMR कैलकुलेशन करते हैं तो उसके सैंपल्स लेते हैं और सैंपल्स का हम UCS मालूम करते हैं। दूसरा, रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन, जो ऑलरेडी हमने पहला जो टेक्निक पढ़ा था, तो रॉक क्वालिटी डिजिग्नेशन RQD भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं और इसमें ये एज ए पैरामीटर इसमें यूज होता है। स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ग्राउंड वाटर कंडीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक है, कि इसका नॉर्थ के साथ कितना ये इसकी ओरिएंटेशन क्या है। ये एक एक्सटेंसिव टेबल है RMR का, जिसके जिसमें हम रेटिंग मालूम करते हैं, जिसके बेसिस पे हम रेटिंग मालूम करते हैं। तो पहला जो हमारे पास पैरामीटर है वो स्ट्रेंथ ऑफ रॉक मास है, ठीक है, जिसके लिए हम स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम या तो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स मालूम करते हैं या हम UCS मालूम करते हैं। तो अगर हम फील्ड में उसी वक्त अगर हम स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें तो ये पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स एक इक्विपमेंट है जिसके जिस पर हम फील्ड में एट टाइम हम अगर सर्वे भी करना चाहते हैं और साथ में हम सैंपल्स की स्ट्रेंथ भी मालूम करना चाहें तो इसको हम फील्ड में लेके जाते हैं। इसके दरमियान में रॉक सैंपल को रखते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके जब तक वो जो हमारे पास रॉक सैंपल है वो टूटता नहीं तो उसी वक्त तक हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब वो टूट जाता है तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है MPa में, मेगा पास्कल्स में। तो या तो हम इससे मालूम करते हैं स्ट्रेंथ फील्ड में, या फिर हम सैंपल्स को ले लेते हैं, लेब में लेके आते हैं और फिर उसकी UCS मालूम करते हैं। तो जो भी हमारे पास स्ट्रेसिस की वैल्यू, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाती है तो उसके बिना पर हम फिर इसकी रेटिंग कर लेते हैं पहले वाले पैरामीटर की, ठीक है। अगर हमारे पास लेट सपोज कम है, फॉर दिस लो रेंज यूनिएक्सियल कंप्रेसिव टेस्टेड इज प्रेफर्ड। फिर हमारे पास दूसरा जो है वो RQD है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। और जब उसकी कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है तो जो भी इसमें फॉल करता हो, जहाँ पर भी वो फॉल करता हो, तो वो वैल्यू हम ले लेते हैं दूसरे पैरामीटर के लिए। तीसरा पैरामीटर हमारे पास स्पेसिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। अगर एवरेज स्पेसिंग हमारे पास ग्रेटर देन 2 मीटर है तो हम ये वैल्यू लेते हैं, इन बिटवीन दिस वैल्यू तो हम ये लेते हैं। इस तरह से जब हम सर्वे करते हैं तो इसकी भी हम एवरेज स्पेसिंग ले लेते हैं और उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, तो फिर हम कहते उसी जब हम सर्वे करते हैं स्कैन लाइन सर्वे, तो उसके दौरान हम ये भी मालूम करते हैं कि इस डिसकंटिन्यूटीज कंडीशन, जॉइंट्स की कंडीशन क्या है। वेरी रफ सरफेस है, नॉट कंटिन्यूस, नो सेपरेशन, अनवेदर्ड वॉल रॉक, इस तरह स्लाइटली रफ सरफेस है, स्लाइटली रफ सरफेस सेपरेशन लेस देन 1 मिलीमीटर, हाईली वेदर्ड वॉल्स, लेकिन साइड सरफेसेस है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। तो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज पे, इसके हिसाब से भी हम रेटिंग मालूम करते हैं। और फिर हमारे पास ग्राउंड वाटर कंडीशन है कि इनफ्लो ऑफ वाटर कितना है, ठीक है, अगर नन है
और जॉइंट वाटर प्रेसी या मेजर प्रिंसिपल वो जीरो है प्रेशर, जॉइंट वाटर प्रेशर डिवाइड बाय मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ग्राउंड जनरल कंडीशन कम्प्लीटली ड्राई है तो हम ये लेते हैं। यानी हम जब सर्वे करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं जॉइंट स्पेसिंग की, कि आया इसमें कहीं ये ड्राई है या इसमें वेटनेस है, ह्यूमिडिटी है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। अगर लेट सपोज वो ड्राई है तो ये रेटिंग है, डैम्प है यानी हमारे पास जो इनफ्लो ऑफ वाटर है पर 10 मिनट इन द टनल लेंथ, हमारे पास लेस देन 10 है लीटर्स पर मिनट है, लेस देन 10 लीटर्स पर मिनट है तो ये लेते हैं। अगर वो 10 to 25 लीटर्स पर मिनट है तो ये लेते हैं। इस तरह ऑब्जर्व स्ट्रेटा को ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पास ये सर, ये रेटिंग जो हमारे पास जो है ना डिसकंटिन्यूटी या वो नॉट कंटिन्यूस में सेपरेशन नहीं होगी वगैरह वगैरह, तो सर इसका हमें किस तरह पता चलेगा? ये जो है ना कोर ड्रिलिंग से पता चलेगा हमें नहीं, ये तो आपको स्ट्रेटा से पता चलेगा। आपको सर? तो ये आपका अंडरग्राउंड नहीं होगा मतलब? अंडरग्राउंड होगा, तो आप जब अंडरग्राउंड जाते हैं, लेट सपोज आप रॉक को नहीं क्रैक नहीं करते सर, हैं। नहीं सर मतलब ये जो है ना फॉर एग्जांपल एक पहाड़ है और हम इसमें अंडरग्राउंड शाफ्ट करते हैं पहले से, मतलब हमें पता नहीं है और बस स्टार्ट से हम अंडरग्राउंड जाते हैं, तो फिर तो पता नहीं चलेगा ना हमें कि यहाँ पे अंदर क्या है, बस हम डायरेक्ट ही सर से स्टार्ट होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि अभी आपने ओपनिंग नहीं बनाई है, आप अभी बनाना चाहते हैं, आप अंडरग्राउंड जाना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर बात है आप ड्रिलिंग करेंगे पहले, और ड्रिलिंग से जब आपको आपके साथ कोर निकलता है तो उसके बिना पर हम कह सकते हैं कि ये रॉक स्ट्रेटा इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। और अगर हम अंडरग्राउंड आप ओपनिंग हमने बनाई है और अब हम उसमें फर्दर जाना चाहते हैं, उसमें एडवांसमेंट करना चाहते हैं, तो साथ में लाजमी होगा कि हम जब भी आगे जाते हैं तो रॉक स्ट्रेटा जियोलॉजी हर जगह पे सेम नहीं रहती, तो जितना हम डीप जाते हैं या जितना हम आगे जाते हैं तो उसके बिना पर फिर हम हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। साथ साथ में हम सर्वे भी करते हैं और साथ साथ में हम मॉनिटर भी करते हैं, और साथ में हम सपोर्ट भी इंस्टॉल करना होता है हमें, तो इसी वजह से हम ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। फिफ्थ तो ये है, सिक्स पैरामीटर जो हमारे पास था वो इसमें रेटिंग एडजस्टमेंट फॉर। अच्छा, ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं अगर टनल्स और माइंस में। अच्छा, ये क्या है, स्ट्राइक एंड डिप ओरिएंटेशन। अच्छा, इसको आगे जाके पढ़ते हैं। अच्छा, ओरिएंटेशन भी हो गया, ग्राउंड वाटर कंडीशन और कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। ओरिएंटेशन में क्या है, स्ट्राइक और डिप ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्राइक मालूम करते हैं हर हर जॉइंट का, और उसकी हम डिप मालूम करते हैं कि इसकी एंगल क्या है विद हॉरिजॉन्टल, तो वो हमारे पास उसमें आ जाता है, ओरिएंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में आ जाता है। तो ये सारे पैरामीटर को जब हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास एक रेटिंग आ जाती है। अगर वो रेटिंग हमारे पास इन बिटवीन 81 एंड 100 है तो वो हमारे पास क्लास 1 में आ जाएगा, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि वेरी गुड रॉक है। तो उसके उस कंडीशन में फिर हमें कह सकते हैं कि हमें ये, क्योंकि वेरी गुड रॉक है, सेल्फ सस्टेंड है, तो इसमें कोई सपोर्ट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, इसके गिरने का कोई चांस नहीं है। इस तरह 60, 61 to 80 दूसरा क्लास है, तीसरा, फोर्थ, चौथा और वेरी पुअर। फिर अगर 21 से रेटिंग कम आ रही है तो वेरी पुअर रॉक है, उसी हिसाब से फिर हम सपोर्ट डिजाइन करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। सर ये सारे पैरामीटर पर हम ऐड करते हो इससे मतलब ये हाँ आ हाँ जाता है? जितने भी 6 पैरामीटर्स हैं, इस टेबल से हर पैरामीटर की वैल्यू निकल आएगी और फिर उस सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और देट मस्ट बी इन बिटवीन, मस्ट बी इक्वल टू आर लेस देन 100, तो फिर उसी हिसाब से फिर हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रेटा को। ये एक एग्जाम्पल है, अ टनल इज टू बी ड्रिवन थ्रू अ स्लाइटली वेदर्ड ग्रेनाइट विद अ डोमिनेंट जॉइंट सेट डिपिंग एट 60 डिग्रीज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइव। तो डायरेक्शन ऑफ ड्राइव का भी पता चला, ये अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ड्राइव चल रहे हैं, डिप का भी पता चला, और स्लाइटली वेदर्ड है, ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट भी हमें पता चला कि कौन से
उसमें आता है, ऑरिजन इसकी क्या होगी, ठीक है, स्लाइटली वेदर्ड भी है और डिपिंग एट 60 डिग्री भी है, ठीक है, डायरेक्शन का भी पता चला, इंडेक्स इंडेक्स टेस्टिंग एंड लॉगिंग ऑफ डायमंड रेड कोर गिव टिपिकल वैल्यू एज बिलो। तो इंडेक्स टेस्टिंग का जो रॉक स्ट्रेंथ इंडेक्स का मैंने बताया, तो उससे हमें यूसीएस भी हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, एंड लॉगिंग ऑफ डायमंड ड्रिल्ड कोर, जो हमारे पास कोर निकलेगा तो उससे हमें आरक्यूडी भी आ जाएगी, ठीक है। तो तकरीबन सारे पैरामीटर्स के बारे में हमें पता चल जाता है, जो पॉइंट लोड इंडेक्स है वो 8 MPa है, आरक्यूडी 70% आ गई है, स्लाइटली रफ एंड स्लाइटली वेदर्ड जॉइंट्स विद सेपरेशन ऑफ लेस देन 1 mm हम लेंगे उस टेबल से। ये सारे वैल्यूज उस टेबल से डिपेंड इसको देख के, स्टेटमेंट को देख के वहाँ से निकाली है। और टनल कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड टू बी वेट, ठीक है, तो ये कंडीशंस गिवन है, तो उस कंडीशंस पे फिर हम ये रेटिंग निकाली है हमने कि 8 MPa अगर है तो ये रेटिंग होगी उस टेबल से निकाल के, 70% है तो ये रेटिंग होगी, तो सारा कुछ निकाल के टोटल 59 आ गया है। इसमें अभी अगर आप देखें तो कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के लिए नोट वन इन्होंने फिर डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि रेटिंग इज द सम ऑफ 1 to 3 meter डिसकंटिन्यूटी लेंथ सेपरेशन, अगर ये है तो उसकी रेटिंग ये होगी, स्लाइटली रफ है तो ये होगी, नो इनफिलिंग है तो ये होगी, तो वो सारा कुछ निकाल के ये हमारे पास कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ये निकाला गया है। ये सारा उसी टेबल से जो हमने अभी टेबल पढ़ा है, तो उसमें डिफरेंट वैल्यूज है, उस सबको निकाल के ये रेटिंग्स निकालते हैं, ठीक है, ये देखिए कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। तो इसके बेसिस पे हम रॉक स्ट्रेटा को क्लासिफाई करते हैं इस तरह, ये नोट टू है, एडजस्टमेंट फॉर जॉइंट ओरिएंटेशन। सो टेबल्स गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फेयर फॉर द कंडीशन रिज्यूम वेयर द टनल इज टू बी ड्रिवन अगेंस्ट द डिप ऑफ अ सेट ऑफ जॉइंट डिपिंग एट 60 डिग्री यूजिंग द डिस्क्रिप्शन फॉर टनल्स एंड माइंस इन टेबल वी गिव्स एन एडजस्टमेंट ऑफ रेटिंग -5। तो उसी टेबल से फिर हमारे पास ये -5 की रेटिंग आ गई है। टनल्स एंड माइंस में जाएंगे, फेयर में हमारे पास -5। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटीज द टोटल वैल्यू भी हमारे पास आ गई है इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में वो 59 है, विच इंडिकेट्स दैट द रॉक मास इज ऑन द बाउंड्री बिटवीन द फेयर रॉक एंड गुड रॉक कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, गाइडलाइंस फॉर एक्सकेवेशन एंड सपोर्ट ऑफ 10 meter स्पैन रॉक टनल इन अकॉर्डेंस विद RMR। अगर हम 10 meter अगर एक टनल है और उसकी स्पैन 10 meter है, यानी वो 10 meter वो खुला है, ठीक है, तो उसकी एक्सकेवेशन के लिए हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, बेस सपोर्ट डिज़ाइन कंसिडर करेंगे। तो अगर हमारे पास रॉक मास की क्लास 1 है, वेरी गुड रॉक मास है, जिसकी RMR 81-100 होगी, तो हम फुल फेस एक्सकेवेशन कर सकते हैं और 3 meter हम एडवांस में जा सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड रॉक है, उसमें कोई रॉक गिरने का ख़तरा नहीं है, कोई फेलियर का ख़तरा नहीं है, तो उस कंडीशन में हम फुल फेस जा सकते हैं 3 meter में पर ब्लास्टिंग। रॉक बोल्ट्स सर फुल फेस में क्या मतलब, यानी जितना भी हमारे पास जो फेस ऑफ द टनल है, जितनी उसकी ओपनिंग है, हम उस सारे ओपनिंग, यानी हम अब देखते डिपेंड करता है रॉक के स्ट्रेंथ पे, अगर हमारे पास रॉक स्ट्रेंथ वीक है तो हम पूरे फेस को ब्लास्ट नहीं करेंगे सेफ्टी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए। अगर हमारे पास रॉक स्ट्रेटा हार्ड है तो हम सारे फेस को एक ही ब्लास्ट में, हम एक ही उसमें चार्ज में हम ब्लास्ट कर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास हमें पता होता है कि ये हार्ड रॉक है, इसमें कोई फेलियर का ख़तरा नहीं है, तो हम फुल फेस को ब्लास्ट कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो ये रॉक मास क्लासेस हैं। एक्सकेवेशन हम किस तरह करेंगे, रॉक बोर्ड्स, कौन से रॉक बोर्ड्स हमें इंस्टॉल करने होंगे, शॉर्टक्रीट क्या, कौन सी शॉर्टक्रीट हमें करनी पड़ेगी, और स्टील सेट हमने कौन सा उसमें लगाना है, तो डिपेंड करता है रॉक क्लास के ऊपर। अगर वेरी गुड है तो फुल फेस में हम जा सकते हैं,
जनरली नो सपोर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हार्ड रॉक है, इसमें कोई सपोर्ट जरूरत नहीं होती। दूसरे क्लास में अगर गुड रॉक है जिसकी आरएमआर 61 to 80 है, तो इसमें भी हम फुल फेस जा सकते हैं 1 to 1.5 meter एडवांस, यानी हम आगे जब हम जो ब्लास्टिंग के हम ड्रिल्स ड्रिलिंग करते हैं, जो हम ड्रिल होल्स बनाते हैं, तो 1 to 1.5 meter तक हम ड्रिलिंग करते हैं और उसमें फिर हम एक्सप्लोसिव डालते हैं और उसको एक्सप्लोड करते हैं। अगर हमारे पास पहला वाला है तो हम 3 meter तक हम ड्रिलिंग कर सकते हैं और उसमें चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम फुल फेस जा सकते हैं, लेकिन 1 to 1.5 meter। लोकली बोल्ट्स इन क्राउन 3 meter लॉन्ग स्पेस्ड 2.5 meter विद ओकेजनल वायर मिश, ठीक है। हम क्राउन क्या है, जो हमारे पास साइड्स पे जो हमारे पास पिलर्स हम बनाते हैं एक्सकेवेशन के, तो उसमें हम साइड्स पे रॉक बोल्ट्स लगा सकते हैं जिसकी 2.5 meter स्पेसिंग होगी और हम साथ में वायर मिश लगाते हैं। तो ये सारा टेबल जो है एक्चुअली ये हमें बताता है कि हमारे पास अगर अभी रॉक मास क्लासिफिकेशन तो हमने कर लिया आरएमआर की, अब उसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हमने कौन सा सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये उसकी डिटेल है, इसको फिर आप डिटेल में आप सर ये क्राउन काइंडली जरा जी क्राउन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिलर्स होते हैं हमारे पास अंडरग्राउंड माइंस में, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि क्राउन पिलर्स कौन से होते हैं और दूसरे इसके और टाइप्स है पिलर्स के, तो उसको हम फिर क्लासिफाई करते हैं कि अगर हमारे पास ओपनिंग्स के बीच में हम कोई पिलर छोड़ते हैं तो उसको हम कौन सा पिलर कहेंगे, अगर हम फेस में एडवांस में हम जो पिलर्स छोड़ते हैं उसके उसको क्या कहते हैं, अगर हम साइड पे पिलर्स छोड़ते हैं तो उसके क्या उसको क्या कहते हैं, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। क्राउन पिलर्स जो मुझे याद है ना, तो ये साइड पे हम जो सपोर्ट के लिए हम पिलर्स छोड़ते हैं तो उसको हम क्राउन पिलर्स कहते हैं। तो सर ये थ्रू आउट छोड़ेंगे या नहीं, सिर्फ फेस पे, मतलब जो कॉलर होता है या उसका माउथ जो होता है क्या, सॉरी सर यहाँ पे लिखा है ना कि गुड रॉक जो है ना आरएमआर 61 टू 80, तो इसके लिए बोल्ट इन अ क्राउन 3 meter लॉन्ग, तो इसका मतलब ये सब, तो इसका मतलब ये है कि थ्रू आउट द टनल हम ये रखेंगे या नहीं, सिर्फ जो है ना स्टार्ट में हम ये रखेंगे। नहीं नहीं, ये आप जितना आगे एडवांस में जाते हैं ना, मैंने जिस तरह कहा कि हम जितना भी एक्सकेवेशन करते हैं तो हर एक्सकेवेशन के लिए हम ये सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। आज हमने लेट सपोज 1 to 10 meter हम आगे गए हैं, ठीक है, या 1 week में हम 10 meter एक्सकेवेशन का हमने की है, तो उस 10 meter के एक्सकेवेशन के लिए जितना ओपनिंग बना है 10 meter का, उसके लिए हम सर्वे करते हैं और उसके लिए हम सपोर्ट डिजाइन। अभी अभी हम 10 meter से आगे जाएंगे 20 meter तक, तो शायद वहां पर फिर हमारे पास रॉक स्ट्रेटा 10 चेंज हो जाए, तो उसके लिए फिर हम अलग फिर सर्वे करेंगे, फिर अलग उसके लिए हम डिजाइन सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट डिजाइन करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम थ्रू आउट द माइन यही सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ये रॉक बोल्ट्स यही लगाएंगे 3 meter लॉन्ग और सर, और ये जो है ना बोल्ट्स इन क्राउन 3 meter लॉन्ग, तो सर ये हाइट के वो करें या नहीं, वेट के लिहाज से या उसका जो है ना अंदर 3 meter जाएगा, यानी रॉक स्ट्रेटा में अंदर, ये रॉक बोल्ट है ना, रॉक बोल्ट को हम रॉक स्ट्रेटा के अंदर लेके जाते हैं, उसके लिए हम पहले ड्रिलिंग करते हैं, फिर बोल्ट इंस्टॉल करते हैं, फिर उसकी फिटिंग करते हैं ताकि वो स्ट्रेटा को इंटैक्ट रखे। जी सर थैंक यू। अंदर 3 meter जाएगा रॉक स्ट्रेटा में, ठीक है। तो इस तरह फेयर रॉक अगर है तो उसके लिए हम कौन सा सिस्टम कौन सा वो करेंगे, अगर आप देखें तो फेयर रॉक में साथ में हम फिर शॉर्टक्रीट, ये गुड रॉक में भी और फेयर रॉक में भी हम शॉर्टक्रीट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 meter शॉर्टक्रीट है mm इन क्राउन वेयर रिक्वायर्ड, एंड इन फेयर रॉक 50 to 100 meter मिलीमीटर इन क्राउन एंड 30 mm इन साइड, ठीक है। तो ये हर उसके रॉक स्ट्रेटा के क्लासिफिकेशन को देख के उसके हिसाब से फिर सपोर्ट हम उसको कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप ये सपोर्ट इंस्टॉल करें, तो डिपेंडिंग ऑन आरएमआर वैल्यू। एप्लीकेशन ऑफ आरएमआर क्या है, जो मैकेनिकल क्लासिफिकेशन हैज फाउंड वाइड एप्लीकेशंस इन वेरियस टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। टनल्स अगर हम बना रहे हैं तो उसकी में भी इसकी एप्लीकेशंस है,
गटर में हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्लोप्स में भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, स्लोप्स में हम बता सकते हैं फाउंडेशन जब बना रहे हैं किसी बिल्डिंग के लिए, किसी स्ट्रक्चर के लिए, तो उसमें भी आरएमआर के एप्लीकेशंस हैं, माइंस में भी आरएमआर के एप्लीकेशंस हैं। ठीक,